हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस चैनल पर। दोस्तों, आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं उसमें हम जानेंगे कि जो सोडियम वेपर लैंप होती है उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। दोस्तों, ये जो कनेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हम जब भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें इंटरव्यू में इसके कनेक्शन भी पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं और आज हम आपको इतने आसानी से बताएंगे, इतने सिंपल तरीके से बताएंगे कि आप इसको एक बार देख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि जो सर्किट डायग्राम होता है इसका, वो हमारे जो पार्ट्स होते हैं जैसे चौक है, इग्निटर है, उस पर हमारा सर्किट डायग्राम बना हुआ होता है। तो जब भी हम इसके कनेक्शन करें तो हमें उसको सर्किट डायग्राम को देख के उसके कनेक्शन कर सकते हैं। तो आज हम आपको सर्किट डायग्राम को देखते हुए कनेक्शन करके बताएंगे, तो जिससे आप एक बार देख लेंगे और समझ लेंगे कि सर्किट डायग्राम में किस प्रकार देखा जाता है। तो इसके बाद आप उसके कनेक्शन को कभी नहीं भूलेंगे और जब भी आपसे कोई भी करवाए तो आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल केबी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्किट डायग्राम है सोडियम वेपर लैंप का। इसी सर्किट डायग्राम की सहायता से हमें इसके कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी चौक होती है, चौक में हमारे तीन कनेक्टर होते हैं। एक कॉमन कनेक्टर होता है, एक 220 नंबर कनेक्टर होता है, एक 240 नंबर कनेक्टर होता है। इन्हीं को देख के हमें इसके कनेक्शन करने पड़ते हैं। तो हम आपको चौक में बताते हैं कि जो कनेक्टर हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी चौक है सोडियम वेपर लैंप की, और ये जो कनेक्टर हैं ये हमारे तीनों कनेक्टर हैं। सबसे पहले ये हमारा 240 नंबर कनेक्टर है, उसके सामने 220 नंबर, उसके सामने जो 220 नंबर वाला कनेक्टर है, और कॉमन के सामने जो कनेक्टर है वो हमारा कॉमन कनेक्टर है। तो इन्हीं को देख के हम इसको कनेक्शन करना पड़ता है, इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसी का। और ये हमारे इसके सर्किट डायग्राम के कनेक्शन हैं जो हर चौक पे रहते हैं। कोई भी किसी भी कंपनी की चौक होगी उस पर आपको ये सर्किट डायग्राम मिल जाएंगे। तो उसी को देख के हम आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। हम आपको सूर्या की भी चौक दिखाते हैं, उसमें बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर्किट डायग्राम है बहुत ईजी है, जो आप कोई भी कर सकता है बिल्कुल आसानी से। उसमें कुछ भी नहीं है, आपको वहाँ पर देखना है कौन सा वायर हमें कहाँ देना है बस। तो इसी सर्किट डायग्राम को देखते हुए हम आपको कनेक्शन करना बताएंगे। तो अब हम आगे देखते हैं जो और दूसरा हमारा कंपोनेंट है, वो हमारा इग्निटर होता है चौक के बाद। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इग्निटर है और हम आपको इग्निटर भी बताते हैं कि किस टाइप का इग्निटर होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारा इग्निटर है और इग्निटर में भी हमारा सर्किट डायग्राम कंपलसरी रहता है, जिसको देखकर हम आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारे कनेक्टर हैं वो चार दिखाई दे रहे हैं चौक के। तो किसी किसी चौक में हमारे चार कनेक्टर होते हैं, लेकिन हमें उपयोग हमारे तीन का ही होता है। एक 220 नंबर कनेक्टर, एक 240 नंबर कनेक्टर, एक कॉमन नंबर कनेक्टर, यही हमारे कनेक्टर यूज़ होते हैं और बाकी के कनेक्टर हमारे यूज़ नहीं होते। इग्निटर में हमारे तीन वायर होते हैं, रेड, येलो, ब्लैक। इन्हीं के कलर कोडिंग के आधार पर हमें इसके कनेक्शन करने पड़ते हैं, जो हम आपको आगे सब कुछ बताएंगे कि किस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगला हमारा जो कंपोनेंट है वो हमारा लैंप है। तो हम आपको बताते हैं जो लैंप है वो किस प्रकार की होती है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो सोडियम वेपर लैंप का बल्ब होता है इस प्रकार का होता है, और ये दूसरा जो हमारा होल्डर है, तो जो बल्ब है हमारा होल्डर में इस प्रकार कस जाता है। अगला कंपोनेंट हमारा कैपेसिटर है। जो कैपेसिटर होता है वो हमारा डायरेक्टली हमारा न्यूट्रल फेस से जुड़ा हुआ होता है। एक वायर उसका न्यूट्रल में जुड़ा होता है, एक फेस में जुड़ा होता है। लेकिन कैपेसिटर अभी हमारे पास नहीं है तो हम अभी इसका उपयोग नहीं करेंगे। कैपेसिटर जो होता है उसका काम जो होता है वो हमारा पावर फैक्टर को मेंटेन करना होता है, लेकिन अभी हमारे पास नहीं है तो हम इसके बगैर भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग में देखेंगे कि हमारा कौन सा वायर किस जगह कनेक्ट हो रहा है। तो देखिए, ये हमारी ड्राइंग है और इसमें जो हमारा फेस वायर है वो हमारे चौक के 240 नंबर कनेक्टर में जा रहा है और हमारा इग्निटर के रेड वाले वायर में जा रहा है। तो हमें इन्हीं दोनों को हमें फेस सप्लाई देनी है। तो हम एक वायर ले लेंगे, वायर का टुकड़ा ले लेंगे और उसको जो हमारे कनेक्टर है, जो हमारी सप्लाई आ रही है यहाँ से, ये हमारे न्यूट्रल फेस की सप्लाई आ रही है इस कनेक्टर में। तो हमें इसमें से एक फेस में कनेक्ट करके इसको हमें इग्निटर को फेस देना है और हमारी चौक को, दोनों को फेस सप्लाई देनी है। तो हम क्या है, जो इग्निटर का वायर है उसको इसमें शॉर्ट कर सकते हैं, तो इससे हमें इसको भी सप्लाई मिल जाएगी वहाँ से आ रही है और यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम इसको मेन लाइन से भी कनेक्ट कर सकते हैं।
तो जहां आपको सहूलियत हो वहां इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मेन सप्लाई में करें या इसको शॉर्ट करके कर दें। तो हमने यहां पर इसको शॉर्ट कर लिया है, तो इसको भी हमारी फेस सप्लाई जो है वो मिल जाएगी। और हम क्या करेंगे, इसको चौक के कनेक्टर में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारी चौक को भी फेस सप्लाई मिल गई और इसी से हमारे इग्निटर को भी फेस सप्लाई मिल जाएगी। तो इसको हमें बिल्कुल भी लूज़ कनेक्शन नहीं करना है, अच्छे टाइट कर देंगे। जो हमारा चौक में जो कनेक्टर था वो हमारा 240 नंबर कनेक्टर में इसको कनेक्ट करना था, तो हम बताते हैं आपको कि 240 नंबर कनेक्टर कौन सा है जो हाँ हमने कनेक्ट किया है। तो देखिए ये हमारा 240 नंबर कनेक्टर है और 240 नंबर में हमारा फेस कनेक्ट होता है। जो भी हमारा फेस आता है वो चौक के 240 नंबर जो कनेक्टर होता है उसमें कनेक्ट करना होता है। अब हमारा जो पीला वाला वायर है, अब हम आपको बताते हैं कि इसको हमें कहाँ पर कनेक्ट करना है, ड्राइंग में देखेंगे। तो ये हमारा जो पीला वाला वायर है वो चौक के हमारे 220 नंबर कनेक्टर में कनेक्ट होना है। तो चलिए हम इग्निटर के पीले वाले वायर को चौक के 220 नंबर कनेक्टर जो है उसमें कनेक्ट कर लेंगे। तो इसमें हमें कनेक्शन करते समय बस ये दो चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं कि चौक का हमारा जो कनेक्टर नंबर है वो क्या है, और जो हमारा इग्निटर है उसमें जो हमारी कलर कोडिंग है वायर की उसको ध्यान रखना पड़ता है कि कलर कोडिंग के हिसाब से ही हमारे जो कनेक्टर है चौक का उसमें कनेक्शन हो। और इसमें कोई भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, कनेक्शन बिल्कुल आसान होते हैं। तो देखिए हमने ये जो इग्निटर है उसका पीला वाला वायर है जो है उसको हमने 220 नंबर कनेक्टर में कनेक्ट कर लिया है। अब जो हमारा चौक में जो कनेक्टर इस खाली बचा हुआ है उसको देखते हैं, उसको कहाँ पर कनेक्ट करना है हमें। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कॉमन नंबर कनेक्टर है जो चौक का, ये वाला खाली है, कॉमन नंबर है। तो इसको हमें कहाँ देना है, तो इसको जो हमारा लैंप है उसके जो होल्डर लगा हुआ है जिसको हमें होल्डर के एक किसी भी कनेक्टर में देना होता है। तो अब हम इसको एक वायर का टुकड़ा लेंगे जिसको हम चौक के कॉमन कनेक्टर में कनेक्ट कर लेंगे। जो कॉमन कनेक्टर होता है हमारा चौक का वो हमारा चौक का आउटपुट कनेक्टर होता है, आउटपुट सप्लाई होती है, जिससे हमारा जो फेस आता है और कॉमन कनेक्टर से हमारा फेस निकल के हमारा बल्ब में चला जाता है, होल्डर में चला जाता है। तो हमने इसको कनेक्ट कर लिया है और अब इसको हम एक वायर को होल्डर में कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारी जो फेस वायर है, फेस सप्लाई है, वो हमारी जो होल्डर है वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो हमने पहले जो मेन सप्लाई से फेस हमने चौक में दिया और चौक में से जो हमारी आउटपुट सप्लाई आ रही है जो फेस की वो हमारी होल्डर तक आ गई है। अब हम ड्राइंग में देख लेते हैं जो हमारा न्यूट्रल कनेक्शन है उसको हमें कहाँ कहाँ करना है। तो ये हमारा इग्निटर का एक वायर रह गया है ब्लैक कलर का, इसमें हमें न्यूट्रल कनेक्शन करना है। और जो हमारा होल्डर रह गया है लैंप का उसमें भी हमें न्यूट्रल कनेक्शन करना है। ये हमारा इग्निटर का ब्लैक वायर है जिसको हमें न्यूट्रल कनेक्शन देना है। और हम एक वायर का टुकड़ा और लेंगे जिसकी सहायता से हमारा होल्डर है उसमें भी हमें न्यूट्रल फेस की सप्लाई देना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इग्निटर है उसका वायर को और जो हमारा एक टुकड़ा लिया है हम वायर को उसको आपस में शॉर्ट कर लेंगे और इसको जो हमारा मेन कनेक्टर है उसमें जो न्यूट्रल आ रहा है उसमें हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसको अच्छे से टाइट कर देंगे और जो हमारा वायर का दूसरा एंड बचेगा उसको हमें होल्डर में कनेक्ट करना होगा जिससे हमारी जो न्यूट्रल सप्लाई है वो होल्डर तक भी पहुंच जाएगी। तो चलिए अब हम होल्डर में इस वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो कनेक्ट करेंगे हम बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ेंगे इसको, अच्छे से सभी कनेक्शन को हमें अच्छे से टाइट करना है, लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर हमारे पास कैपेसिटर होता तो हम क्या करते हैं, उसको जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है न्यूट्रल फेस, एक वायर कैपेसिटर का न्यूट्रल में और एक वायर फेस में कनेक्ट कर देते तो हमारे जो कैपेसिटर है उसके भी कनेक्शन कंप्लीट हो जाते। बिना कैपेसिटर के भी हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो हमारी लाइट है वो ग्लो हो गई है, तो जो हमारे कनेक्शन हैं बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं। जो ड्राइंग होती है वो हमारे इग्निटर पर भी मिल जाएगी और हमारी जो चौक होती है उस पर भी मिल जाएगी। तो सिंपली हम उसमें देख के कि कौन सा वायर हमें कहाँ कनेक्ट करना है उसको देख के आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और जो सोलर प्लांट के मेंटेनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।